गुड इवनिंग टू यू ऑल। हमारी आपके साथ चर्चा गांधी और गांधीवाद के ऊपर चल रही थी, और गांधी और गांधीवाद पर चर्चा के क्रम में पहला डायमेंशन जो हमने डिस्कस किया था वह है कि नॉन वायलेंट सत्याग्रह को क्या है, उसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके सोर्स क्या है, यह तिलक के पैसिव रेसिस्टेंस से किस प्रकार भिन्न है, और नेचर ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह या बेसिक कंसेप्शन ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह जो है वह किस प्रकार इसमें डायनामिज्म दिखाई पड़ता, क्यों डायनामिज्म दिखाई पड़ता, और इसी के कंटेक्स्ट में हमने इसके सिग्निफिकेंस की चर्चा की कि किस प्रकार इसने कॉलोनियल पावर के डायलिमा को जन्म देते हुए और कॉलोनियल पावर के डायलिमा को बढ़ाते हुए एक ऐसे सिचुएशन को क्रिएट किया जिस सिचुएशन में कॉलोनियल पावर अपने डायलिमा से बाहर नहीं निकल पाती। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन अगले चरण में प्रवेश करता है और अंततः उसका लॉजिकल कल्मिनेशन इंडिया के इंडिपेंडेंस के रूप में होता है। फिर खिलाफत पर पहुंचने के पहले मैंने आपके साथ रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर के गांधी की सोच क्या थी, गांधी के आइडियाज क्या थे, इनिशियल आइडिया उनके क्या थे और लेटर फेज में उनके आइडियाज में बेसिक्स में भले ही चेंज ना आए हों, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन था, किस प्रकार वह प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बदला, हमने उस पर विस्तार से चर्चा की। और इसी क्रम में हमने इस बात की आवश्यकता समझी, जब इतनी विस्तार से चर्चा हुई है तो क्यों ना रिलीजन और पॉलिटिक्स के इंटर रिलेशन को लेकर गांधी के जो आइडियाज हैं और नेहरू के जो आइडियाज हैं उनको कंपैरेटिव डायमेंशन में देखा जाए, और इस क्रम में हम देखें कि गांधी कम्युनलिज्म को लेकर के क्या, सॉरी नेहरू कम्युनलिज्म को लेकर के क्या सोचते थे, नेहरू सेकुलरिज्म को लेकर के क्या सोचते थे, नेहरू स्टेट और रिलीजन के इंटर रिलेशन को लेकर क्या सोच रखते थे, किस प्रकार का आइडिया था उनका। और जब गांधी और नेहरू के रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के इंटर रिलेशन को हम कंपैरेटिव डायमेंशन में देखेंगे तो निश्चित तौर पर सिमिलरिटी और डिफरेंसेज को भी हमें ध्यान में रखना होगा, कंटिन्यूटी एंड चेंजेज को भी ध्यान में रखना होगा, और हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि अगर दोनों में कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूटी क्यों है, और कहीं नेहरू गांधी से डिफर करते हैं तो कहां पर डिफर करते हैं और क्यों डिफर करते हैं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देखें, अब तक के डिस्कशन के क्रम में गांधी और गांधीवाद को जो आपने समझा वह यह कि गांधीयन थॉट जो है वह डीप रूटेड दिखाई पड़ता है इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में। गांधी और गांधीवाद की जड़ें भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा से कहीं गहरे स्तर पर जुड़ी हुई है, और शायद इसलिए आप अगर देखें तो वैष्णव धर्म और वैष्णव संस्कारों की भी बेहतर समझ गांधी के पास है, और उसी बेहतर समझ के कारण हुए वैष्णव धर्म और वैष्णव संस्कारों के प्राण तत्व सहिष्णुता और समन्वय, टॉलरेंस एंड कोऑर्डिनेशन, इसको एक्सेप्ट करते हैं, और टॉलरेंस और कोऑर्डिनेशन को भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व के रूप में बेसिक इथोज ऑफ
इंडियन सोशल कल्चरल ट्रेडिशन के रूप में आइडेंटिफाई करते हुए वे कहीं ना कहीं इंडियन सोशल एंड डाइवर्स सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते और उस फ्रंट पर जो चैलेंजेज होते उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग आपको गांधी के पास भी दिखाई पड़ेगी और इंडियन सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग आपको नेहरू के पास भी दिखाई पड़ेगी। और कहीं ना कहीं दोनों में इस बात की अंडरस्टैंडिंग दिखाई पड़ेगी कि रिलीजियस टॉलरेंस का जो इंडियन ट्रेडिशन है, रिलीजियस धार्मिक सहिष्णुता की जो भारतीय परंपरा रही है, उस भारतीय परंपरा से गांधी भी वाकिफ थे और नेहरू भी वाकिफ थे। इसी के कंटेक्स्ट में देखें वे ऑफ लाइफ के रूप में इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में धर्म को देखने की जो कोशिश की गई, जीवन पद्धति के रूप में धर्म को देखने की जो कोशिश इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में की गई है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में रिलीजन को जो डिफाइन किया गया और रिलीजन को जो व्यू करने की कोशिश की गई, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय समाज में वैल्यूज एथिक्स मूल्य नैतिकता मर्यादा और शुचिता, इसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो इनको रीएस्टैब्लिश करने में रिलीजन के रोल को जो हाईलाइट किया गया, इस बात को नेहरू भी स्वीकारते हैं और इस बात को गांधी भी स्वीकारते हुए आते हैं। लेकिन इस सिमिलरिटी के बावजूद अगर देखें तो आप यह पाएंगे कि नेहरू और गांधी टू डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, दो भिन्न व्यक्तित्व है नेहरू का और गांधी का, और कई बार देखेंगे उनके व्यक्तित्व में इतनी भिन्नता आपको दिखाई पड़ेगी कि दोनों में किसी प्रकार के इंटर रिलेशन को भी तलाश पाना मुश्किल हो जाता। यद्यपि एक और सिमिलरिटी आप देखेंगे, गांधी सेकुलरिज्म के प्रश्न पर बहुत मुखर होकर के बोलते नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन गांधी कहीं न कहीं रिलीजियसिटी की बात करते, धार्मिकता की बात करते, और रिलीजियसिटी के साथ साथ गांधी को देखें तो गांधी सर्वधर्म धर्म संभाव की बात करते, अर्थात गांधी सभी धर्मों को समान नजरिए से देखे जाने की हिमायत करते। ऑल द रिलीजन मस्ट बी ट्रीटेड मस्ट बी व्यूड इन एन इक्वल मैनर, यह गांधी की भी सोच है, यह नेहरू की भी सोच है। गांधी के लिए रिलीजियस होने का मतलब कम्युनल होना नहीं है, मेरे शब्दों पर गौर करेंगे, बड़ी बारीकी से शब्दों का प्रयोग मैं कर रहा हूं। गांधी के लिए धार्मिक होने का मतलब सांप्रदायिक होना नहीं, क्योंकि गांधी धार्मिक होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता की वकालत करते, और गांधी नेहरू के लिए धर्म निरपेक्ष होने का मतलब, सेकुलर होने का मतलब एंटी रिलीजियस होना नहीं है, नॉन रिलीजियस होना नहीं है, और उनके लिए सेकुलर होने का मतलब धर्म का त्याग नहीं है। कहने का तात्पर्य
कि नेहरू में जो चीजें गांधी में जो रिलीजियसिटी मुखर दिखाई पड़ती, नेहरू में रिलीजियसिटी की वैसी मुखरता तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं नेहरू इस बात को समझ रहे थे कि रिलीजियसिटी जो है वह इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन से पार्ट एंड पार्सल है, भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा से अभिन्न है, भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा से धार्मिकता को अलगाया नहीं जा सकता। इसलिए कहीं भी गांधी नेहरू धर्म निरपेक्षता की बात करते, सेकुलरिज्म की बात करते, तो वहां पर वह अधार्मिक होने की बात नहीं करते, वह एंटी रिलीजियस होने की बात नहीं करते, वह ए रिलीजियस होने की बात नहीं करते। बेसिकली अगर आप देखें तो गांधी की पर्सनालिटी के केंद्र में रिलीजियसिटी और नेहरू की पर्सनालिटी के केंद्र में अगर आप देखेंगे तो सेक्युलरिज्म की सेंट्रलिटी, जहां गांधी के यहां धर्म की केंद्रीयता दिखाई, धार्मिकता दिखाई पड़ेगी गांधीवाद के केंद्र में, वहीं पर नेहरूवाद के केंद्र में आपको धर्मनिरपेक्षता दिखाई पड़ेगी। लेकिन चूंकि गांधी के लिए धर्म मेयर रिलीजियस बिहेवियर और रिलीजियस कंडक्ट नहीं है, कर्मकांड और आचरण नहीं है, चूंकि गांधी धर्म की मूल संवेदना तक पहुंचने की कोशिश करते, रिलीजन के जो इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं उनको जानने और समझने की कोशिश करते और उनको अपने आचरण में उतारने की कोशिश करते, और शायद यही कारण है कि वे सर्वधर्म संभाव की बात करते, और यही सर्वधर्म संभाव रिलीजियसिटी के बावजूद गांधी के यहां सेक्युलरिज्म के लिए स्पेस क्रिएट करता हुआ आता, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही। लेकिन अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गांधी और नेहरू में गहरे स्तर पर सिमिलरिटी दिखाई पड़ेगी, कम्युनलिज्म के प्रति अनकंप्रोमाइजिंग स्टैंड गांधी का भी है और नेहरू का भी, सांप्रदायिकता को लेकर के, सांप्रदायिक शक्तियों को लेकर के इनटॉलरेंट गांधी भी दिखाई पड़ेंगे, नेहरू भी दिखाई पड़ेंगे, जीरो टॉलरेंस है उनके। और गांधी ने भी पूरी जिंदगी कम्युनल फोर्सेज के अगेंस्ट अनएंडिंग लड़ाई लड़ी, और नेहरू ने भी कम्युनल फोर्सेज के अगेंस्ट जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ी, तब भी जब देश गुलाम था और तब भी जब देश आजाद हुआ और नेहरू को देश का नेतृत्व करने का मौका मिला। तो कम्युनलिज्म को लेकर अनकंप्रोमाइजिंग स्टैंड जो है गांधी का भी है और नेहरू का भी, इनटॉलरेंट गांधी भी है और इनटॉलरेंट आपको नेहरू भी है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो जो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म है और मेजोरिटी कम्युनलिज्म है, दोनों के अगेंस्ट लड़ाई गांधी ने भी लड़ने की कोशिश की और नेहरू ने भी दोनों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की कोशिश की। लेकिन अगर आप देखें तो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म और मेजोरिटी कम्युनलिज्म, अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता और बहुसंख्यकों की जो सांप्रदायिकता है, दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट दोनों करते हैं। गांधी भी माइनॉरिटी और मेजोरिटी कम्युनलिज्म के बीच डिफ्रेंशिएट करते, नेहरू भी माइनॉरिटी और मेजोरिटी कम्युनलिज्म के बीच डिफ्रेंशिएट करते दिखाई पड़ते। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह डिफ्रेंसिएशन माइनॉरिटी और मेजोरिटी कम्युनलिज्म के बीच जो गांधी और नेहरू के यहां है,
तो गांधी के यहां यह डिफ्रेंसिएशन व्यवहार के धरातल पर दिखाई पड़ेगा। व्यवहार के धरातल पर वो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म और मेजोरिटी कम्युनलिज्म के बीच डिफ्रेंसिएट करते, और व्यवहार के धरातल पर देखें ये गांधी भी कहीं ना कहीं दोनों प्रकार की सांप्रदायिकता के खतरे से वाकिफ थे, दोनों प्रकार की सांप्रदायिकता को एविल के फॉर्म में देखते थे, लेकिन मेजोरिटी कम्युनलिज्म जो है उसको गांधी ने भी एक बड़े खतरे के रूप में देखा। एक ऐसे देश में जहां कल्चरल डायवर्सिटी है, जहां रिलीजियस डायवर्सिटी है, ऐसे देश में माइनॉरिटी कम्युनलिज्म से बड़ा खतरा मेजोरिटी कम्युनलिज्म है। और शायद यह जो डिफ्रेंसिएशन गांधी ने किया, उस डिफ्रेंसिएशन को एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन दिया गांधी नेहरू ने। नेहरू ने सिद्धांत के धरातल पर भी मेजोरिटी कम्युनलिज्म और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को डिफ्रेंसिएट किया, और नेहरू ने व्यवहार के धरातल पर भी मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के बीच डिफ्रेंसिएट करने की कोशिश की। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि मेजोरिटी कम्युनलिज्म के साथ जो हायर रिस्क अटैच्ड थे, जिस रिस्क को नेहरू ने एंटिसिपेट किया, आज वह रिस्क जो है आप देखें वह रोमांटिक नहीं है, वह इमेजिनेटिव नहीं है। आज का भारत उस रिस्क को व्यावहारिक धरातल पर फेस कर रहा है। तो अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें, अगर आप देखें, मैंने विस्तार से इस बात की चर्चा की कि ईस्ट और वेस्ट के वैल्यूज का कॉम्बिनेशन गांधी के यहां भी दिखाई पड़ेगा, और ईस्ट और वेस्ट के बीच के वैल्यूज का कॉम्बिनेशन जो है वह नेहरू के यहां भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन जहां गांधी इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन की ओर मोर इंक्लाइंड दिखाई पड़ते, भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा की ओर गांधी का झुकाव कहीं अधिक होता, वहीं पर नेहरू के कंटेक्स्ट में देखे तो नेहरू का वेस्टर्न ओरिएंटेशन कहीं ज्यादा डोमिनेंट दिखाई पड़ता। शायद यही कारण है कि गांधी के यहां रिलीजियसिटी की सेंट्रलिटी है, और वेस्टर्न ओरिएंटेशन के कारण नेहरू का बेसिक ओरिएंटेशन जो है वह सेकुलरिज्म की ओर है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेहरू खुद को भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा से कहीं ज्यादा करीब पाते हैं आधुनिक पश्चिमी चिंतन के, जो अपने स्वरूप में धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन कभी भी यह मानने की भूल ना करें, कभी भी मिसअंडरस्टैंड मत करें कि नेहरू का इंडियन कल्चर, नेहरू के पास इंडियन सोशल कल्चरल ट्रेडिशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या नेहरू का अटैचमेंट नहीं था इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन के प्रति। जैसा कि आज के दौर में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए नेहरू के खिलाफ जो है मालाफाइड इंटेंशन के साथ एक सीयर कंपेन चलाया जा रहा है। अगर आप इस कंटेक्स में देखें, मैंने इस चीज की बात की कि नेहरू और गांधी दोनों धर्म की नैतिक अनिवार्यता को स्वीकार करते। एक एथिकल मोरल एसेंशियलिटी जो है रिलीजन की, इस बात को दोनों स्वीकार करते हुए आते। लेकिन अगर आप गौर करें तो पॉलिटिक्स और रिलीजन के इंटर रिलेशन को लेकर दोनों का नजरिया भिन्न है। आप पढ़ें पुरुषोत्तम अग्रवाल सर की बुक आई है भारत माता, कौन है भारत माता, हु इज भारत माता। पुरुषोत्तम अग्रवाल सर ने उस बुक में विस्तार से इस पर चर्चा की है। पीयूष बबोले की पुस्तक आई है कुछ समय पहले, नेहरू मिथक और यथार्थ, पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें।
समझना जरूरी है, किसी की आलोचना करने के लिए उसे समझना जरूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप वैलिड क्रिटिसिज्म की ओर नहीं बढ़ सकते। वैलिड किस क्रिटिसिज्म के लिए जानना और समझना जरूरी है। अगर आप देखें, मैंने कहा गांधी धर्म को किस रूप में देखते, तो मैंने इस बात की चर्चा की थी कि गांधी जिमि धार्यते इति धर्मः के परिप्रेक्ष्य में धर्म को देखते, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में देखते, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में देखते। और गांधी के जीवन में धर्म की भूमिका क्या है, तो मैंने इस बात की भी चर्चा की थी कि धर्म जो है गांधी को अधिक मानवीय बनाता है, सत्य के प्रति आग्रहशील बनाता है एज एन इंडिविजुअल। यह जो सत्याग्रह की संकल्पना है, यह जो ट्रूथ है और ट्रूथ पर गांधी का जो फोकस है, उन्होंने ट्रूथ के रूप में रिलीजन को डिफाइन करने की कोशिश की और ट्रूथ के प्रति जो एक एसर्टिवनेस है वह रिलीजियस एसर्टिवनेस के बैकग्राउंड में। और इसलिए अगर आप देखें तो गांधी राजनीति को भी मूल्यपरक बनाने के लिए, राजनीति को भी नैतिक बनाने के लिए, राजनीति की प्योरिटी को और पायसनेस को इंश्योर करने के लिए वे राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप की बात करते, जिस पर मैंने चर्चा की आपके साथ। मैंने इस बात की भी आपके साथ चर्चा की कि गांधी रिलीजन को एक पॉलिटिकल टूल्स के रूप में देखते, तभी तो वो असहयोग के लिए खिलाफत के मसले का इस्तेमाल करते। तभी तो गांधी के स्पीचेज में जाकर के देखें रिलीजियस सिंबल मौजूद दिखाई पड़ेंगे, रिलीजियस सिंबोलिज्म जो है गांधी की पर्सनालिटी में मौजूद दिखाई पड़ेगा। तभी तो आप देखेंगे रिलीजियस फास्ट का गांधी जो है इस्तेमाल करते हुए आते हंगर स्ट्राइक के रूप में, यह रिलीजियस फास्ट का पॉलिटिकल मोटिव से किया गया इस्तेमाल है। गांधी कहीं नेहरू कहीं ना कहीं राजनीति में धर्म के इस्तेमाल के विरुद्ध थे। और बड़ी विचित्र संबंध है नेहरू और गांधी का, वो संबंध उतना आसान नहीं है जितना आसान आज के डेट में सोशल मीडिया में प्रेजेंट किया जाता। दो डिफरेंट पर्सनालिटी हैं नेहरू और गांधी। अगर दो डिफरेंट पर्सनालिटी हैं तो उनके बीच आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट तो होगा ही होगा, पर्सनालिटी कंफ्लिक्ट तो होगा ही होगा। इसलिए गांधी जब जेल में उपवास का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेहरू चिंतित तो होते हैं गांधी के इस प्रयोग को लेकर। और नेहरू की यह चिंता जितनी व्यक्तिगत है उतनी ही राष्ट्रीय है। अगर व्यक्तिगत संदर्भों में देखें तो कहीं ना कहीं गांधी के स्वास्थ्य को लेकर के नेहरू चिंतित होते, और राष्ट्रीय संदर्भों में देखें तो रिलीजन के पॉलिटिकल टूल्स के रूप में इस्तेमाल को लेकर के नेहरू चिंतित। उनको लगता है कि इसके जो आउटपुट होंगे, इसका जो लॉजिकल कल्मिनेशन होगा, यह नेशन के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं होगा। लेकिन नेहरू की इच्छा के अगेंस्ट गांधी जब फास्ट पर जाते और उस फास्ट का इंपैक्ट, पॉलिटिकल इंपैक्ट नेहरू देखते हैं, तो नेहरू कहीं ना कहीं हतप्रभ रह जाते, नेहरू कहीं ना कहीं एस्ट्रोनिस्ट रह जाते। उनको नेहरू महसूस करते कि उसका चमत्कारिक प्रभाव होता। और शायद ये एक ऐसी चीज थी कि गांधी जितनी दूर तक जाकर के चीजों को देख पाते थे, नेहरू उतनी दूर तक नहीं पहुंचते थे। गांधी के साथ संपर्क में, गांधी के साथ व्यवहार में नेहरू ने लगातार इस बात को महसूस किया। जब जब नेहरू को लगे कि गांधी गलत हैं और वे सही हैं, कुछ ही समय के बाद आने वाले समय ने और गांधी के निर्णय के परिणामों ने नेहरू को यह एहसास दिला दिया कि नहीं, बापू सही थे। और यह रियलाइजेशन जो है तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बीच, तमाम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बीच, गांधी और नेहरू के बीच कम्युनिकेशन का आधार तैयार करता है। और ऐसे कम्युनिकेशन का आधार तैयार करता है
जहां पर दोनों के बीच लास्टली दोनों के बीच के तमाम डिफरेंसेस जो हैं वो पृष्ठभूमि में रह जाते और दोनों एक दूसरे से सहमत दिखाई पड़ते। ये जो प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता, पावर को लेकर नेहरू के लस्ट को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, ये बेसलेस चीज है। बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, ये कहना कि पावर लस के कारण नेहरू ने गांधी के समक्ष समर्पण कर दिया, यह बेसलेस चीज है। आप अगर देखें सोशियो राष्ट्रीय आंदोलन के सोशियो इकोनॉमिक एजेंडे को देखें, नेशनल कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी को देखें और गांधी की सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी को देखें, लेटर फेज में आप देखेंगे नेहरू का प्रभाव रहा है, सोशलिज्म का नेहरू के माध्यम से वह प्रभाव गांधी तक भी पहुंचा है और सामाजिक आर्थिक एजेंडे पर कहीं ना कहीं गांधी नेहरू को स्वीकार करते दिखाई पड़ते। ठीक उसी कंटेक्स्ट में देखें, नेहरू ने भी कई जगहों पर गांधी को स्वीकार किया है तमाम डिफरेंसेस के बीच। गांधी के संदर्भ में नेहरू के लिए रियलाइजेशन ने गांधीयन फिलॉसफी के ब्रॉडर एक्सेप्टेंस को इंश्योर करने का काम किया, शायद यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि सेकुलरिज्म की ओर तमाम ओरिएंटेशन के बावजूद कहीं ना कहीं रिलीजियसिटी के लिए नेहरू के यहां भी स्पेस बचा रहता है। उधर गांधी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, एक दौर में गांधी ने रिलीजन और पॉलिटिक्स के इंटरमिंगलिंग को लेकर जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को लेकर के देन नेशनल लीडरशिप के द्वारा जो ऑब्जेक्शंस रजिस्टर करवाए गए थे उसको ओवरलुक किया था। लेकिन लेटर फेज में अगर आप जाकर के देखें तो जो गांधी धर्म को निजी मामला तक सीमित रखकर देखने से इनकार करते हैं, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में रिलीजन को देखने की कोशिश करते हैं, वही गांधी 1930 के दशक तक आते आते धर्म को इंडिविजुअल अफेयर बतलाना शुरू करते, और केवल धर्म को इंडिविजुअल अफेयर बतलाना शुरू नहीं करते बल्कि व्यावहारिक धरातल पर देखेंगे रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच सेपरेशन की बात करते हुए आते, धर्म और राजनीति के बीच पार्थक्य की बात गांधी करते हुए आते। गांधी ने यह महसूस किया कि उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स के इंटरमिंगलिंग के जरिए जो एक्सपेरिमेंट किया है, मास उसके लिए तैयार नहीं है, और जब तक मास उसके लिए तैयार नहीं है तब तक रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों को एक दूसरे से रिलेट करना जो है वह कहीं ना कहीं उसके एक पॉलिटिकल फॉलआउट होंगे, उसकी एक कीमत होगी। शायद यही कारण है कि लास्ट के दो दशकों के दौरान जो है गांधी रिलीजन और पॉलिटिक्स को एक दूसरे से अलगाने की कोशिश करते। यहां पर जिस दिशा में मैं संकेत करना चाहता, नेहरू का वेस्टवर्ड ओरिएंटेशन और नेहरू का सोशलिस्ट ओरिएंटेशन, समाजवाद की ओर, वामपंथी समाजवाद की ओर जो नेहरू का रुझान था, इसने कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को लेकर, रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर, स्टेट और रिलीजन के इंटर रिलेशन को लेकर के नेहरू की जो सोच थी, नेहरू की सोच को निर्धारित करने में डिसिसिव रोल प्ले किया। अगर इस परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें, तो आप ये कह सकते कि जो आधुनिक भारत है, आधुनिक धर्मनिरपेक्ष भारत, आधुनिक धर्मनिरपेक्ष भारत की ठोस बुनियाद को रखने में नेहरू की निर्णायक भूमिका रही। नेहरू ने इस बात को समझा कि भारत जैसे देश में जहां रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी, ऐसे देश में सेक्युलर स्पिरिट के बिना नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करना संभव नहीं होगा, रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किए बिना नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करना मुश्किल होगा।
उन्होंने यह महसूस किया कि सहिष्णुता और समन्वय की जो भावना है इसको प्रमोट किए जाने की आवश्यकता है। जो कम्युनल फोर्सेज हैं, कम्युनल फोर्सेज को लगातार चैलेंज किए जाने की जरूरत है, और एक सेकुलर माइंडसेट, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक रैशनल माइंड के निर्माण के लिए लगातार प्रयास किए जाने की जरूरत है। ये प्रयास आर्ट के जरिए होना चाहिए, ये आर्ट के जरिए होना चाहिए, ये प्रयास कल्चरल एक्टिविटी के जरिए होना चाहिए, ये प्रयास जो है लिटरेरी एक्टिविटी के जरिए होना चाहिए, ये प्रयास जो है मीडिया के माध्यम से किया जाना चाहिए, ये प्रयास जो है आइडियोलॉजिकल फ्रंट पर किया जाना चाहिए, ऐसी किताबें लिखी जानी चाहिए, ऐसी मूवी बनाई जानी चाहिए, ऐसे पुस्तकों का प्रकाशन होना चाहिए, ऐसे आलेखों का प्रकाशन होना चाहिए जो रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट कर सके, जो सहिष्णुता और समन्वय को प्रिजर्व कर सके, जो सहिष्णुता और समन्वय को प्रमोट कर सके, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट और सेकुलर माइंडसेट के निर्माण में सहायक हो सके। क्योंकि नेहरू का स्पष्ट तौर पर मानना है कि मजबूत भारत की बुनियाद के लिए, स्ट्रॉन्ग इंडिया का फंडामेंटल तब तक तैयार नहीं होगा जब तक डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म इन तीनों को एक दूसरे से संबद्ध करके ना देखा जाए। यह जो डेमोक्रेसी है, यह जो सेकुलरिज्म है, यह जो सोशलिज्म है, इसका जो है कॉकटेल ही अंततः स्ट्रॉन्ग इंडिया के फाउंडेशन को तैयार करने का काम करेगा। और इसलिए अगर आप देखें, नेहरू सेकुलरिज्म को जब डिफाइन करते तो सेकुलरिज्म को डिफाइन करते हुए नेहरू स्पष्ट शब्दों में ए रिलीजियस होने या एंटी रिलीजियस होने या धर्म के त्याग के परिप्रेक्ष्य में सेकुलरिज्म को परिभाषित करने से बचते हैं। वो कहते हैं सेकुलरिज्म का यह मतलब नहीं है। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन बाय द स्टेट, राज्य सभी धर्मों की समान रूप से सुरक्षा करे। सेकुलरिज्म का मतलब नेहरू के लिए क्या है? तो नेहरू के लिए सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट और रिलीजन का कोई इंटर रिलेशन ना हो, किसी स्पेसिफिक रिलीजन से स्टेट अटैच ना हो, स्टेट का अपना कोई रिलीजन ना हो, और तीसरा, स्टेट किसी एक रिलीजन के कॉस्ट पर दूसरे रिलीजन को प्रमोट करने का काम ना करे। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो नेहरू रिलीजियस टॉलरेंस को सेकुलर नेशन के एक कंपोनेंट के रूप में रेखांकित करते, लेकिन उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि सेकुलर स्पिरिट के बिना इंडिया एज ए नेशन, एक राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण और एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती प्रदान करना यह संभव नहीं है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेहरू वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, जो रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को लेकर आता, उसको खारिज करते। इसीलिए रिलीजियस मैटर में अगर आप देखें तो नेहरू स्टेट की न्यूट्रलिटी की बात करते हुए आते, धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता की बात करते हुए आते। नेहरू जो है स्टेट और रिलीजन दोनों के बीच जो है कंप्लीट सेपरेशन की बात करते हुए आते। नेहरू का यह मानना है रिलीजियस फ्रीडम को इंश्योर किया जाना चाहिए, रिलीजियस इक्वलिटी को इंश्योर किया जाना चाहिए, और इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल रिलीजन को इंश्योर किया जाना चाहिए। और इसी के कंटेक्स्ट